नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अलीगढ़ में पूर्व आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके अनुरक्षक की हत्या के मामले में सपा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्या आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही मुख्य आरोपी तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताते चले कि मुलंद शहर में ही जिला जज पीके सिंह ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है और हत्याकांड में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे और 3 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि मलखान सिंह का अलीगढ़ की ही ग्लास विधानसभा से आरएलडी विधायक थे और आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या अलीगढ़ में 30 मार्च 2006 में गोली मारकर की गई थी और उनकी हत्या राजनीतिक वर्चस्व को लेकर हुई थी। उन्नाव में बेखौफ बदमाश ने दिनदहाड़े अधेड़ की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है और हत्या के बाद बता दें आपको कि इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं खेत में गुजर रहे राहगीर की नजर जैसे ही खून से लथपथ शव पर पड़ी तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में मौके पर एडिशनल एसपी और सीओ सिटी सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस घटना की वजह पुरानी रंजिश फिलहाल बता रही है। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, यहाँ हत्या हुई है, कैसे हत्या हुई और कौन लोग थे? ये यहाँ त्रिभुवन खेड़े के ही लोग हैं और ये सब करा रहा है दद्दन और नरेश। दद्दन नरेश सब बैठे हैं। क्या वजह रही, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमको नहीं मालूम है। टक्कर लेना था किसी मामले का, टक्कर लेते हो आगल पागल से काम टक्कर लेना। सर, एक कर्मी बिजलमो में हत्या हुई है, क्या मामला था और कितने लोग थे? अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण से अज्ञात हुआ है, कर्मी बिजलाबू में एक व्यक्ति गणेशी जिसकी उम्र लगभग 45-47 साल है, उनकी धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई है। परिजनों द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है, तहरीर मिलने के बाद ही इसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। सर, इसमें मारने की वजह क्या रही, कुछ स्पष्ट हो गया? अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जानकारी में आया कि कोई पुरानी रंजिश चल रही थी गाँव में ही किसी व्यक्ति से, उसी के सिलसिले में हुआ है। काशगंज में आसमान से आकाशीय बिजली गिरी है, वहीं हादसे में महिला राहगीर बाल बाल बची है। आकाशीय बिजली गिरने से वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, बता दें आपको कि जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला काशगंज के सोरो गेट इलाके की बताई जा रही है। इटावा में बसपा एमएलसी भीम राव की धर्मपत्नी कमलेश अंबेडकर की गाड़ी आवारा पशु के सामने से जाने से ही पलट गई है। हादसे में कमलेश अंबेडकर और उनका बेटा अमित घायल हो गया है और जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा थाना बकेरवा के क्षेत्र के ही अंतर्गत शेरपुरा कोठी के पास नेशनल हाईवे पर हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हरदोई में पुलिस अफसरों के लाख जतन के बाद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और जहां तक तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोर एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज किया जा रहा है और इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक दोनों खतरे से बाहर है और वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच भी अब शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, जहाँ पर हरदोई से खबर है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इलाज कर डॉक्टरों का जो बताया जा रहा है इलाज कर रहे थे, उन्होंने बताया है डॉक्टरों के मुताबिक दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। हरदोई में पुलिस अफसरों के लाख जतन के बाद भी हर्ष फायरिंग का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग में एक किशोर और एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ये थाना पसदेवरा में उबरिया खेड़ा गांव है, यहाँ पे रामशंकर यादव की पुत्री की तिलक और राजेश शादी भी थी, वहाँ पे लोग इकट्ठा थे और वहाँ उनका भांजा जो कि वहाँ शाहजहाँपुर का रहने वाला है, उनका नाम कुन्ना और सना बादाम सिंह है, इसने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया जिसमें दो लोगों को चोटें आई हैं
एक अवनीश नाम का लड़का है 13 साल का और दूसरा वेदपाल है। अलीगढ़ में असलों के प्रदर्शन का वीडियो एक दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार थाना खैर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको बता दें कि एक युवक हाथों में बंदूक लेकर फायरिंग करता नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि पुलिस इस पर कब कार्रवाई करती है। मामला आपको बता दें कि थाना खैर क्षेत्र के गाँव खेड़ा सत्तू का बताया जा रहा है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में देर शाम एक युवक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और युवक का शव बाग के पेड़ के फंदे से लटकता हुआ मिला है। बता दें आपको कि जिसके आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद ही पहुंची वहां पर मौके पर बताया जा रहा है कि पुलिस भी पहुंच गई है और शव को फंदे से उतरवा कर कब्जे से लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। और इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे जहां घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। रायबरेली में शादी समारोह से वापस आ रहे तेज रफ्तार बुलेरो वाहन ने खड़े डंपर को टक्कर मार दी है जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मामला आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 सड़का हाईवे के पास का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्वितीय निर्वाचन बरेली मुरादाबाद खंड स्थानत निर्वाचन 2023 बदायूं जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और खराब मौसम के मद्देनजर भी मतदाताओं में जोश नजर आया है। जिले में 21 मतदान केंद्र के 28 मतदान बूथों पर सुबह 8 से 4 बजे तक मतदान हुआ और चुनाव में कुल 14,748 मतदाताओं ने वोट डाले हैं। जिले में आपको बता दें कि 63.7% मतदान हुआ और मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई गई है। मतदाताओं को पहचान पत्र देखने के बाद ही मतदान केंद्र में जाने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मत पेटियों बरेली में बनाए गए स्ट्रांग रूम्स में ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सील बंद कर दी गई है। झांसी के आसरा सोसाइटी NGO के माध्यम से नवजीवन ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 से 60 संस्था के सदस्यों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि आसरा NGO हमेशा से ही स्वास्थ्य शिविरों का ही आयोजन करता रहता है और आसरा NGO की अध्यक्ष पूजा शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान ये एक पुण्य का कार्य है और सभी को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। अपने रक्तदान से कई जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इस दौरान ही नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज गुप्ता और ब्लड बैंक की संचालिका डॉक्टर मोनिका पटनी जैन ने सभी रक्तदान जो करने आए थे लोगों का आभार भी व्यक्त किया। बिजनौर पुलिस से बड़ी कामयाबी मिली है जहां आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे को ही 47,290 रुपए की नकदी और अवैध शस्त्र घटना में उपयोग स्कूटी भी बरामद कर लिया है। दरअसल जनपद बिजनौर के ही थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ही साहू जैन डिग्री कॉलेज के पास अर्जुन राजपूत से स्कूटी पर सवार 3 बदमाशों ने रोक लिया और आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 7,500 रुपए की नकदी और कागजात छीन कर फरार हो गए थे। बता दें आपको कि पुलिस ने 3 अभियुक्त अर्जुन और अभय चौहान और सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया है और अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि अपने 2 साथी के साथ मिलकर 18 को थाना सोहारा क्षेत्र में समूह एजेंट से 1,42,290 रुपए की नकदी और कुछ कागजात लूटे थे और जिसके बाद अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
कल शाम को थाना नजीबाबाद पर अर्जुन राजपूत नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि मैं अपनी दुकान प्रतिष्ठान से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने मेरा बैग झोला जिसमें कि पैसा और चाबी अन्य कागजात उनके थे उसको छीन लिया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के नेतृत्व में गठित टीम ने आज सुबह इनकी गिरफ्तारी की। कुछ अभियुक्तगण पकड़े गए, 4 लोग जिसमें एक अर्जुन है जो नहटौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा अभय चौहान है जो शेखपुर गढ़ू थाना नजीबाबाद का रहने वाला है। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बिजनौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि शातिर लुटेरे अवैध शस्त्र के साथ ही गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस लगातार इनकी छानबीन कर रही थी जिसके बाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर जहां पर बता दें आपको कि बाराबंकी से खबर है जहां अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल पैदल सड़क पार कर रही लड़की के साथ महिला को एक ट्रक ने रौंदा है जिसमें महिला और लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बाराबंकी के जेदपुर गजरिया गांव के अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई। और आपको बता दें कि बीती देर रात घर में अचानक भीषण आग लगने से घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है और जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। बताते चले कि गजरिया गाँव निवासी फसी उर रहमान सहित ही घर के अन्य सदस्य सो रहे थे और तभी अचानक छप्पर के भीषण आग लग गई और लोग कुछ समझ पाते तब तक आग पूरे छप्पर को ही आगोश में ले चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है लेकिन घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं आपको बता दें कि गांव के ही कुछ लोगों पर घर में आग लगाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हमारे भाई की मरी गवा तो वो हमारे नाम लिख गवा और बाकी सब चीज़ लिख गवा है। तो सब लोग कहा थे भाई लौंडे के नाम लिखाई थी तो मेरे नाम का है लिखा। तो मामला क्या है? मामला का यहाँ घर बना रहा है उसका फूंक दिए ने फूंक के इधर का भाग गए हैं। किसने फूका है? ये निजामुद्दीन का लौंडा और खालिक का लौंडा, 3 जने मिलके। अच्छा, तो इसकी आपने तहरीर दी है कहीं? जेतपुर थाने में तहरीर आपने दी है? हाँ जी। तो आश्वासन क्या आपको आश्वासन दिया गया है? सुनवाई कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं नहीं, 112 पे डायल किया था, कोई सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जी आ रहा है। घंटा 2 घंटा जेतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई। और आपको बता दें कि बाराबंकी के जेतपुर कस्बे में ये यात्रा निकाली गई और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी की मंडल इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष संजय अवस्थी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। और इस मौके पर जेतपुर मंडल कार्यकर्ताओं ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जानकारी के मुताबिक बीजेपी पार्टी द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली जेतपुर के मोहल्ला गढ़ी कदीम में मौजूद शिव मंदिर प्रांगण से निकाली गई जो बांध चौराहा छोटी बाजार छोटा इमाम बाड़ा बड़ी बाजार सिनेमा हॉल थाना चौराहे से होते हुए पावर हाउस परिसर से समाप्त की गई है। और इस अवसर पर ही मौजूद रहे हरक ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रवि रावत, प्रमोद तिवारी और गिरजा शंकर गुप्ता, रितेश मोरिया, कमल राजपूत, अबू उमेर अंसारी सहित सैकड़ों अन्य लोग भारी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ मौजूद रहे। ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है 26 जनवरी के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई।
मंडल के कहां से कहां तक ये कार्यक्रम जो है शिव मंदिर से होते हुए बड़ी कदीम शिव मंदिर से होते हुए बड़ी बाजार थाना चौराहा थाना चौराहा से होते हुए यहां पावर हाउस में आकर्षक से समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष जी। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ये भी जानकारी आपको दे दें कि बाराबंकी के जेतपुर कस्बे में ये यात्रा निकाली गई। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की मंडल इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष संजय अवस्थी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी और इस मौके पर जेतपुर मंडल कार्यकर्ताओं ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जानकारी के मुताबिक बीजेपी पार्टी द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली जेतपुर के मोहल्ला गढ़ी कदीम में मौजूद शिव मंदिर प्रांगण से निकाली गई जो बांध चौराहा छोटी बाजार छोटा इमामबाड़ा बड़ी बाजार सिनेमा हॉल और थाना चौराहे से होते हुए पावर हाउस परिसर में समाप्त की गई और इस अवसर पर ही मौजूद रहे हैं। बता दें आपको कि हरक ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रवि रावत, प्रमोद तिवारी, गिरजा शंकर गुप्ता, रितेश मोरिया कबल और राजपूत अबू उमेर अंसारी सहित सैकड़ों अन्य लोग भारी संख्या में मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे हैं। राजधानी लखनऊ में स्कूल कॉलेजों के बाहर बेखौफ होकर शोहदे घूमते नजर आए हैं। बता दें आपको कि कॉलेज जा रही छात्रा का बेखौफ शोहदों ने हाथ पकड़ा और जिसके विरोध करने पर छात्रा को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटते हुए महिला सुरक्षा के दावों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। बता दें आपको कि ये शर्मनाक घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें जहां पर बताया जा रहा है कि एक घटना जो है शर्मनाक घटना सामने आई है और इसके साथ ही जिसका वीडियो अब वायरल भी होने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक लड़की को युवक द्वारा परेशान किया जा रहा है और बीच सड़क पर ये झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि आसपास के लोग तमाशहीन होकर देखते रहे पूरा नज़ारा, लेकिन किसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कोई बातचीत नहीं की और ना ही किसी को समझाने की कोशिश की है और बीच सड़क में यहां पर शर्मनाक घटना देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ में स्कूल कॉलेजों के बाहर बेखौफ होकर यहां पर कह सकते हैं कि युवक द्वारा देखा जा रहा है, आवारा लोगों द्वारा ही लड़की को परेशान किया जा रहा है। बता दें आपको कॉलेज जा रही छात्रा का बेखौफ यहां पर अवारा युवक द्वारा ही हाथ पकड़ा गया है जिसके विरोध करने पर छात्रा को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया है और महिला सुरक्षा के दावों की जमकर यहां पर धज्जियां भी उड़ाई गई है। ये शर्मनाक घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है, लेकिन ये जो घटना सामने आई है जिसके बाद सभी इस घटना को देखकर हैरान हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।